सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉकेट एफएम ऑडियो। इस मोती को हाथ लगाओगे तो वो पिघल जाएगा, ईश्वरी ने राम से कहा। अरे तो यही बात तुम शांति से भी कह सकती थी, तुमने तो ऐसे कहा जैसे इस मोती को छूने से पूरे तालाब में तूफान उठेगा। राम ने कहा, तालाब में नहीं पर तुम्हारी जिंदगी में जरूर तूफान आएगा। तुम बिना जाने कैसे कुछ कर सकते हो? पहले इस तालाब के बारे में जाने बिना तुम इसके अंदर कूदने जा रहे थे, अब इस मोती के बारे में जाने बिना तुम उसे छूने जा रहे हो, ईश्वरी ने कहा। तुम आसपास की बातें कम करोगी तो तुम मुझे काम की जानकारी दे सकोगी, राम ने अब थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। लेकिन ईश्वरी अपनी ही धुन में बातें किए जा रही थी। अगर मैं काम की बात करती तो हमारी दोस्ती नहीं होती, हमारी दोस्ती नहीं होती तो मैं तुम्हें मदद नहीं करती, और मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम आज यहां इस तालाब में नहीं होते। राम ईश्वरी की बातों के आगे हार गया था। अब बताओगी कि ये मोती का राज क्या है? राम ने पूछा। ये मोती कोई साधारण मोती नहीं, ये एक मोक्ष गोली है। जो इस मोक्ष गोली को धारण करेगा उसे 5 निधियां मिलेंगी, ईश्वरी ने कहा। तो फिर बताओ मुझे कि कैसे इसे धारण करना है? राम ने अधीरता से पूछा। इतना आसान नहीं है, इसके कुछ नियम है। इसे कोई भी छू नहीं सकता, ये तुरंत पिघल जाएगी, और ये मोक्ष गोली थोड़ी सी रिस्की है, ईश्वरी ने कहा। मतलब कैसा रिस्क? राम ने पूछा। एक योद्धा जो भी निधियां हासिल करता है उसमें जरूरी नहीं कि हर एक निधि से वो अच्छा बने। हर एक निधि योद्धा को भगवान राम नहीं बनाती, कुछ कुछ निधियां योद्धा को रावण भी बनाती है। ये मोक्ष गोली उनमें से एक है, ईश्वरी की बात से राम हैरान था। कैसे पता चलेगा कि ये मोक्ष गोली कौन से योद्धा पर कैसा असर करेगी? राम ने पूछा। वो योद्धा पर निर्भर करता है। जैसे हर एक इंसान में कोई अच्छी और कोई बुरी बात होती है, जैसे तुम एक साफ और सच्चे योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो कोई एक बुरी बात होगी। ये मोक्ष की गोली ऐसी एक बुरी बात को पकड़कर पूरे योद्धा को बदल देती है, इसलिए इस मोक्ष की गोली को धारण करने से पहले तुम्हें पूरी तरह से साफ होना पड़ेगा, अपने सारे कर्मों को साफ करना पड़ेगा। ईश्वरी की बात सुनकर राम हैरान था। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? राम ने पूछा ध्यान धर के। तुम्हें इस मोक्ष गोली के सामने बैठकर ध्यान धरना है, और इस ध्यान में तुम्हें अपने पिछले 7 जन्मों के सारे कर्मों को साफ करना है। ईश्वरी की बात से राम चौंक गया। पिछले 7 जन्मों के कर्म? मुझे तो मेरा पिछला जन्म भी याद नहीं, 7 जन्म के कर्म कैसे साफ करूंगा? राम ने कहा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाला ने शून्य शक्ति की पहली सतह हासिल की थी, बाला ने भी इस मोती को धारण किया था। पहले बाला तुम्हारे जैसा ही एक अच्छा और साफ दिल का इंसान था, लेकिन शायद उसके अंदर कोई एक बुरी बात थी जिसे इस मोक्ष गोली ने पकड़ लिया। और अब तुम भी जानते हो कि बाला कैसा है। ईश्वरी की बात में दम था। राम इतना जान गया था कि अगर उसे 5 निधियां हासिल करनी है तो उसे इस मोती को धारण करना होगा, और इस मोती को धारण करने के लिए उसे ध्यान में बैठकर अपने सारे कर्मों को साफ करना होगा। मैं ध्यान धरूंगा और इस मोक्ष की गोली को प्राप्त करूंगा, राम ने ठान ली। पूर्णिमा की रात को तुम्हें यहां आकर इस मोती के सामने ध्यान धरना है, ईश्वरी ने कहा। पूर्णिमा की रात को 3 दिन बाकी थे। राम को इस मोक्ष गोली को हासिल करने के लिए 3 दिन का इंतजार करना था। तुम वापस क्यों आए हो? अनंत के भूत को देखकर कनकी बोल उठी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं, अनंत के भूत ने कहा। अनंत भी कनकी से बेहद प्यार करता था, लेकिन कनकी इस बात से परेशान थी कि आज तक उसने कभी अनंत का भूत नहीं देखा था, तो आज अचानक से अनंत का भूत उसके सामने कैसे आ गया? तुम भूल गई कि तुमने सुंदर पाइट में महारत हासिल की है। मैं तुम्हारे सामने हूं तो ये तुम्हारे सुंदर पाइट का ही असर है। तुम मुझे सिर्फ देख ही नहीं सकती, तुम मुझे छू भी सकती हो। अनंत की इस बात से कनकी हैरान हो गई। कनकी नहीं जानती थी कि सुंदर पाइट के कितने अलग अलग असर हैं। कनकी परेशान सी वैकुंठ विला में घूम रही थी। किसी को उसकी परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही थी। अभी तो कनकी ने युद्ध जीता था, आज तो राजशेखर परिवार वैकुंठ विला में वापस भी आ गया था। फिर कनकी किस बात से परेशान थी? हेमा को ये बात खाई जा रही थी। लेकिन फिर हेमा ने सोचा कि शायद इतने दिनों से युद्ध की तैयारी की थकान की वजह से कनकी परेशान होगी। कनकी के पीछे अनंत का भूत इस तरह पड़ा था कि वो टेंशन में आ रही थी। कनकी ये बात किसी से कह भी नहीं पा रही थी। अभी सब इतने टेंशन से बाहर आए, ऐसे में वो अनंत थंबी के भूत के बारे में किसे कहती? लेकिन कनकी अनंत को टालने की पूरी कोशिश करती रही, पर भूत को कैसे टाला जाए? कनकी ऐसे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, अनंत के भूत ने कहा। लेकिन तुम मर चुके हो, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, कनकी ने कहा।
कंकी, हमारा प्यार ही है जो मुझे वापस तुम्हारे पास लेकर आया है। अनंत की ये बातें कनकी को बहुत उलझाने लगी। कनकी का दिमाग काम करना बंद हो गया। कनकी किसी से इसलिए भी कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि वो भी अनंत से बहुत प्यार करती थी। अनंत के भूत को देखकर कनकी का मन भी उसकी ओर बढ़ गया था। अनंत, तुम जानते हो कि एक इंसान और भूत के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकता है। माना तुम वापस आए हो, हमारे बीच में प्यार है, लेकिन इस प्यार का क्या कर सकते हैं, कनकी ने दुखी मन से कहा। एक बार मुझे छूकर देखो। अनंत की इस बात से कनकी जैसे फ्रीज हो गई। कनकी ने धीरे से अनंत के भूत को छुआ। उसे छूते ही कनकी के शरीर में जैसे एक करंट सा फैल गया। अनंत के भूत को छूकर कनकी को ऐसा लगा जैसे उसमें जिंदा अनंत को छुआ हो। कनकी अपने जज्बात को काबू ना कर पाई और भावना में बहकर कनकी अनंत के गले लग गई। कनकी की आंखें नम थी। कितने समय बाद वो अपने प्यार के गले लग रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अनंत का भूत कोई बुरे इरादे से उसके पास आया था। वो कनकी को सिर्फ अपने प्यार का नाम और वास्ता देकर उसे फंसाना चाहता था। कनकी, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अनंत थंबी के इस बात से कनकी तुरंत होश में आई। उसने अनंत के भूत को छोड़ दिया। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। कनकी वहां से जाने लगी। क्यों नहीं हो सकता, अनंत थंबी के भूत ने पूछा। अनंत, तुम एक भूत हो, मैं जीती जागती इंसान। हमारी शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती है, कनकी ने कहा। तुम मुझे छू सकती हो, मुझे महसूस कर सकती हो, मुझे सुन सकती हो, तो फिर तकलीफ क्या है, अनंत थंबी के भूत ने कहा। यही कि तुम मर गए और मैं जिंदा हूं, कनकी अपनी बात पर अड़ी रही। अनंत के भूत को कनकी की इस जिद से गुस्सा आया। तुम अपने सुंदर पायट से कर सकती हो, हमारी शादी हो सकती है कनकी, अनंत ने कनकी को मनाते हुए कहा। मेरे सुंदर पाइट ने पहले ही बहुत नुकसान किया है, और अब इसके नुकसान जाने बिना मैं सुंदर पाइट की कोई भी नई कला को आजमाना नहीं चाहती, कनकी ने कहा। कनकी की इस दृढ़ता से अनंत इतना जान गया कि कनकी अपनी बात से नहीं हिलेगी, लेकिन उसे तो कनकी से शादी करनी थी, और कनकी से अपनी बात मनवाने का तरीका अनंत अच्छे से जानता था। जब उसके प्यार से कनकी ने उसकी बात नहीं मानी, तो अनंत ने अब कनकी को दूसरे तरीके से फंसाना चाहा। कनकी, तुम्हारे सुंदर पाइट की वजह से अगर हमारी शादी होगी तो मैं राम की मदद कर पाऊंगा, अनंत थंबी के भूत ने कहा। क्या, राम भैया की मदद? क्या हुआ है राम भैया को? कनकी एकदम परेशान हो गई। अनंत थंबी कनकी को एक विजुअल दिखाता है जहां राम पानी में अंदर डूबा जा रहा है और उसकी जान को खतरा है। राम जैसे अपनी आखिरी सांस ले रहा था। ऐसा विजुअल देखकर कनकी रोने जैसी हो गई। तुम भैया को बचा पाओगे सच में? अनंत ने कहा। हाँ, लेकिन फिलहाल मैं एक भूत हूं और मुझे कुछ शक्तियों की जरूरत होगी जिससे मैं राम की मदद कर सकूं, और मुझे सिर्फ तुम्हारे सुंदर पाइट से ही वो शक्तियां मिलेंगी। जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तब। अनंत ने राम की हालत कनकी को दिखाई। वो देखकर कनकी इतना डिस्टर्ब हो गई कि वो भूल गई कि राम कभी भी ऐसे पानी में डूब नहीं सकता, और राम के पास हरि भी है और कृष्णन भी है। राम की चिंता में पागल कनकी किसी भी हाल में राम को बचाना चाहती थी। जल्दी बोलो, मुझे क्या करना है? राम की जान के लिए कनकी अनंत थंबी के भूत से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। कनकी की ऐसी हालत से अनजान पूरा राजशेखर परिवार युद्ध की जीत का जश्न मना रहा था। वैकुंठ विला में एक उत्सव का माहौल था। पूरा वैकुंठ विला सजा हुआ था और पूरे शुद्धिपुरम की जनता को खाने पर बुलाया गया था। लाइट से सजे हुए वैकुंठ विला और सबके चेहरे की खुशी भी कनकी को अनंत के भूत की बातों से बाहर नहीं ला पाई। तैयार होकर कनकी इस उत्सव में शामिल हुई। सबने फिर से कनकी का शुक्रिया किया। हेमा ने सुनंदा और बाकी सभी औरतों का सम्मान किया। वैकुंठ विला में सिर्फ राजशेखर परिवार नहीं बल्कि पूरी शुद्धिपुरम की जनता एक परिवार बनकर जश्न मना रही थी। महीनों बाद आई इस खुशी में सब पागल हो गए थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पटाखे फूट रहे थे। राम और अनंत थंबी के टेंशन में डूबी कनकी अपने कमरे में आई। सामने अनंत थंबी का भूत उसका इंतजार कर रहा था। तुम तो दुल्हन लग रही हो, अनंत की इस बात से कनकी खुश तो नहीं हुई, पर उसने एक मुस्कान दी थी। बेमन से कनकी ने अनंत थंबी के भूत के साथ शादी की तैयारी की। कनकी ने अब अपने कमरे में एक हवन जलाया और अब आंखें बंद करके कनकी कुछ मंत्र बोलने लगी। कनकी सुंदर पाइट की जो विधि कर रही थी वो पुनर्जीवित करने की विधि के करीब की विधि थी। कनकी ने अपनी विधि शुरू की और अनंत थंबी के भूत के चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान आ गई। आखिर ये कनकी मेरी बातों में आ ही गई।
मेरे प्यार से ना सही, पर अपने भाई की जान के डर से उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। अनंत थंबी का भूत खुद से ही बोला। कनकी को अपने जाल में फंसाने के लिए अनंत थंबी के भूत ने राम का झूठा विजुअल कनकी को दिखाया था, और वो झूठा विजुअल भी इतना सच्चा था कि कनकी उसकी बातों में आ गई। वैकुंठ विला में हर कोई कनकी को ढूंढ रहा था, खासकर हीमा। कनकी ने युद्ध जिताया है तो जायज है कि इस उत्सव का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कनकी ही होगी। हेमा थोड़ी सी परेशान हुई कि कनकी ऐसे कहां जा सकती थी। नरसिंह को भी वैकुंठ विला में आने के बाद कनकी का बर्ताव बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन कनकी ने किसी से कुछ बात ही नहीं की थी। कोई नहीं जानता था कि कनकी कहां है और क्या करने वाली है। दूसरी ओर कृष्णन को बिना कहे राम एक बार फिर उस तालाब में जाकर आया था। राम को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि कृष्णन को ईश्वरी पर शक था कि कहीं वो राम को किसी जाल में फंसा तो नहीं रही। लेकिन जैसे ईश्वरी ने बताया था कि उसे सिर्फ राम ही देख सकता है क्योंकि राम नीलकंठ है, ऐसे में कृष्णन से कुछ भी कहना बेमतलब था। राम ने सोचा कि वो एक बार 5 निधियां हासिल कर ले तो फिर कृष्णन को सच बताएगा। करीब 1 घंटे तक हवन विधि करने के बाद अचानक से अनंत थंबी के हाथ की नस से खून निकला और वो खून सीधा जाकर कनकी की मांग में लग गया। कनकी की मांग भरते ही उसकी आंखें खुली। कनकी खुश भी थी क्योंकि उसने भी अनंत थंबी से शादी करने का सोचा था, और दुखी भी क्योंकि उसने अनंत थंबी के भूत से शादी की थी। यहां कनकी की मांग में अनंत थंबी का खून भरा और कनकी के कमरे पर एक दस्तक हुई। कनकी डर गई कि कौन आया होगा। कनकी ने तुरंत ही पूरे हवन को अदृश्य कर दिया और दरवाजा खोला तो सामने हेमा थी। कनकी बेहद डर गई थी क्योंकि अभी उसने अनंत थंबी के भूत के साथ शादी की और उसका खून उसकी मांग में सिंदूर की जगह पर था। हेमा क्या कहेगी? क्या हेमा जान पाएगी कि कनकी ने अनंत थंबी के भूत से शादी कर ली है? क्या कनकी ने अनंत थंबी के भूत से शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी? क्या राम ध्यान धर के मोक्ष गोली हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम अ मिस्टीरियस किंगडम सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अरे कनकी, वहां जश्न अभी भी चालू है, सब लोग तेरे बारे में पूछ रहे हैं, तू यहां क्यों चली आई? हेमा ने पूछा। वो वहां मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। कहते हुए कनकी ने अपने सर पर इस तरह से हाथ रख दिया ताकि हेमा को उसकी मांग ना दिखे। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, तो आराम कर, बाद में सबको मिल लेना, कहकर हेमा वापस चली गई। कनकी ने आह भरते हुए राहत की सांस ली। उसने अनंत की भूत की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। कनकी ने भी जबरदस्ती रूखा मुस्कुरा दिया। वो अभी भी एक भूत से शादी करने की बात से कन्विंस्ड नहीं थी। कनकी अपने ख्यालों में थी तब अनंत का भूत उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। कनकी हिचकिचाते हुए उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन अनंत के भूत ने कनकी को छोड़ने के बदले धीरे धीरे चूमना शुरू कर दिया। पहले कनकी के माथे पर, फिर गाल पर, फिर गले पर। क्या कर रहे हो? वो आगे बढ़े उससे पहले कनकी ने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया। घबराहट के मारे कनकी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या मतलब क्या कर रहा हूं? शादी के बाद सुहागरात मनाई जाती है, भूल गई? शरारती मुस्कुराहट के साथ अनंत के भूत ने कहा और कनकी की तरफ बढ़ने लगा। पागल हो गए हो क्या? कनकी ने चौंकते हुए कहा। उसके कदम पीछे होने लगे। कैसी बातें कर रही हो? हमने इस दिन के लिए कितने सपने सजाए थे, और अब आखिरकार हमारे मिलन की घड़ी आई है तो तुम हिचकिचा रही हो? अनंत के भूत ने कहा और फिर से कनकी के नजदीक आकर उसे चूमने लगा। कनकी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने अनंत के भूत को खुद से दूर करने की कोशिश की पर नाकाम रही। उस भूत ने कनकी को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी उसके पास लेट गया। कनकी इन सबके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन राम और कृष्णन की रक्षा के लिए उसने सब कुछ सहने का फैसला किया। इसके अलावा दिल के किसी कोने में वो अभी भी अनंत थंबी को बहुत प्यार करती ही थी। इसलिए कनकी ने सोचकर अपने आप को मना लिया कि जीवित अनंत तो नहीं, तो अनंत का भूत आखिर उसका हुआ। उसके बाद से अनंत उसके साथ रहने लगा। हालांकि सिर्फ कनकी ही अनंत को देख सकती थी, बाकी कोई नहीं। कनकी को लगा कि उसे कम से कम ये बात हेमा को बता देनी चाहिए। मां, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आखिर कनकी ने हिम्मत करके बोला। बोलना बेटा, हेमा ने पूछा। वो दरअसल मैं, कनकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हेमा को कैसे कहे कि अनंत तो उसके जीवन में वापस आ गया है। कुछ खास नहीं, बाद में बताती हूं, कहकर कनकी उतावले कदमों से
वहां से चली गई। हेमा को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, पर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपने काम में लग गई। दूसरे दिन कनकी जब हेमा से पायट की प्रैक्टिस पर मिली, तब भी वो नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो कैसे बताती कि उसने अनंत के भूत से शादी कर ली है। बेटा, तुझे वो मीनाक्षी याद है, मेरी बचपन की सहेली? अचानक हेमा ने कनकी से कहा। कनकी अपने ख्यालों में उलझी थी, इसलिए उसने बिना ध्यान दिए हामी भर दी। मीनाक्षी की शादी भी एक पायट के परिवार से ही हुई है और उसका एक बेटा है विश्वास। वो विद्यालय में पायट पढ़ाने के लिए दरख्वास्त दे चुका है। वो राजशेखरों की पायट की कला से काफी खुश है। वो तुमसे और नरसिंह से थोड़ी और पायट सीखना भी चाहता है। फिलहाल वो निर्वाण शक्ति वाला योद्धा है, लेकिन अभी भी आगे बढ़ने की चाह रखता है, इसलिए विद्यार्थियों को सिखाएगा भी और खुद भी सीख लेगा। तो उसे एक बार मिल क्यों नहीं लेती, हेमा ने कहा। हाँ ठीक है माँ। कनकी डिस्टर्ब थी, इसलिए फिर से उसने बेध्यान पने में विश्वास से मिलने को हाँ कह दी। वैसे भी विद्यालय में काफी स्टूडेंट्स आने वाले थे, इसलिए उन्हें स्टाफ तो चाहिए ही था। अगले दिन कनकी और नरसिंह विद्यालय पहुंचे। शुद्धिपुरम का पायट विद्यालय काफी बड़ी जगह में बनाया गया था, जिसमें 20 से भी ज्यादा कमरे थे। साथ ही साथ पायट की प्रैक्टिस के लिए एक बहुत बड़ा मैदान भी था। आज पूरा शुद्धिपुरम अपने बच्चों को लेकर आया था। पहली बार विद्यालय में इतनी भीड़ देखी गई थी, इस वजह से कनकी इतना बौखला गई कि तुरंत ही उसने राजशेखरों की सभा बुला ली, जिसमें हेमा, बलराम, नरसिंह और उदयन थे। कनकी ने बिना वक्त गवाए अपनी प्लानिंग बताना शुरू कर दिया। सब लोग ध्यान से सुनो, पहली परत से चौथी परत तक प्राथमिक विभाग रहेगा, जिसे नरसिंह और उदयन तुम संभालोगे। इसकी यही वजह है कि इसमें छोटे बच्चे रहेंगे, इसलिए उन्हें अच्छे संस्कार देना जरूरी है, तो गुरु भी उसी तरह के होने चाहिए, कनकी ने कहा। उसकी बात सुनकर नरसिंह और उदयन खुश हो गए और तुरंत ही सहमत हो गए। उसके बाद पांचवी से लेकर सातवीं परत तक माँ और चाचा सिखाएंगे, और सातवीं परत से लेकर अपराजित शक्ति तक मैं और मेरे साथ नरसिंह। मेरे हिसाब से ये ठीक है, अगर आप में से किसी का कोई सुझाव हो तो बता सकते, कनकी ने कहा और सबकी ओर देखने लगी। हालांकि सबको उसकी बात ठीक लगी, इसलिए किसी ने कोई एतराज नहीं जताया। वो लोग कुछ और डिस्कस कर पाए, उससे पहले एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। वो वहां बाहर बच्चे, उस आदमी ने हाफते हुए कहा। ये सुनते ही वो लोग चौंक गए कि आखिर बच्चों को क्या हो गया। सब उठे और क्या चल रहा है ये देखने बाहर निकले। तब जाकर उन्हें पता चला कि एक नौजवान छोटे बच्चों को करारी लाते सिखा रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे मारी जाती है, समझे छोटू, उस लड़के ने कहा। राजशेखर परिवार को एक ही नजर में समझ आ गया था कि वो जिस तरह से बच्चों को सिखा रहा था, उससे बड़ी आसानी से बच्चे सीख रहे थे। मैंने तो आज तक इतनी आसान तकनीक नहीं देखी, बलराम बोल पड़ा। कनकी उसके पास ही खड़ी थी, वो भी उस लड़के को बड़े आराम से देख रही थी। 3 ही मिनट की ट्रेनिंग में उस लड़के ने 4 बच्चों को परफेक्ट करारी लाश सिखा दी। चलो मुझे देखने दो कि तुम सबको ये तकनीक याद है भी या नहीं, उस लड़के ने कहा, और फिर बच्चों के बीच एक मॉक फाइट करवाई, जिसमें 2 बच्चे जीत भी गए। सब लोग उस लड़के से काफी इंप्रेस्ड हो गए। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर वो लड़का कौन है जिसने आते ही सबका दिल जीत लिया। नमस्ते मौसी, कहते हुए वो लड़का हेमा के पास आया और उसके पैर छुए। जीते रहो बेटा, हेमा ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर कनकी की तरफ देखकर आगे कहा, यही मीनाक्षी का लड़का विश्वास है, मैंने तुम्हें बताया था ना। कनकी ने मुस्कुराकर विश्वास का अभिवादन किया। वो विश्वास की पाइट से तो इंप्रेस थी ही, लेकिन उसके पढ़ाने के तरीके से और इंप्रेस हो चुकी थी। इसके बाद हेमा ने अपने बाकी परिवार से विश्वास की पहचान करवाई। नरसिंह भी उससे काफी प्रभावित हो चुका था, उसने तुरंत ही विश्वास के साथ पाइट के मामले पर चर्चा शुरू कर दी। देखते ही देखते वो दोनों बातों में ऐसे मगन हो गए जैसे कि कोई पुरानी दोस्त मिल गए। दूसरी ओर श्रीनगरी में कृष्णन के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कृष्णन ने जाकर दरवाजा खोला तो वो दंग रह गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर वैकुंठ विला का आंगन नजर आ रहा था और उस आंगन के बीचों बीच भास्कर की चिता थी। अचानक कृष्णन नींद से जागा, उसके माथे पर पसीना था। तब जाकर उसे समझ आया कि वो एक सपना देख रहा था। लेकिन मुझे इतना मनहूस सपना क्यों आया, कृष्णन खुद में ही बड़बड़ाया। तब उसका ध्यान पड़ा कि हरि उसके पास पड़ा है। यह देखकर कृष्णन को हैरानी हुई कि हरि उसके पास कहां से आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि हरि ही उसे ये सपने दिखा रहा था, क्योंकि राम और कृष्णन को भास्कर की मौत का अब तक पता नहीं था, इसलिए हरि ने ही ये जिम्मा उठाया था ताकि उन तक ये खबर पहुंचे। अगली सुबह राम कृष्णन के पास गया। वो अपने अप्पा को बताना चाहता था कि रात को वो ईश्वरी के साथ तालाब के अंदर गया था, लेकिन कृष्णन का चेहरा देखकर वो रुक गया।
क्योंकि कृष्णन काफी परेशान लग रहा था। राम को लगा कि अगर कृष्णन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया तो। बेटा पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ी मनहूसियत सी महसूस हो रही है। राम अपनी उधेड़बुन में था तब कृष्णन ने ही बात की शुरुआत की, क्योंकि वो वाकई में बहुत परेशान था। जब से उसने भास्कर की मौत का सपना देखा था तब से उसका जी घबरा रहा था। क्यों, क्या हुआ अपा? राम ने अपने ख्यालों को दिमाग से निकाला और कृष्णन से पूछा। वो तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा, पर शुद्धिपुरम की बहुत याद आ रही है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें यहां मेरी जरूरत ना हो तो मैं वापस शुद्धिपुरम चला जाऊं, कृष्णन ने कहा। वो राम को सीधा भास्कर की मौत के सपने के बारे में नहीं बताना चाहता था, वरना शून्य शक्ति हासिल करने पर से शायद राम का फोकस चला जाता, इसलिए उसने इस तरह से अपनी बात रखी। लेकिन अप्पा आप अकेले वापस कैसे जाएंगे? मेरा मतलब है कि हम लोग शुद्धिपुरम से कोसों दूर हैं, इतने लंबे सफर के दौरान आपकी रक्षा कौन करेगा? राम ने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं खुद ही अपनी रक्षा कर सकता हूं, कृष्णन ने दलील दी। आप समझ नहीं रहे हो अप्पा, हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है। वो मेघना चाचा घात लगाए बैठे, बाला को तो मैंने मार दिया है, पर वो इतना मायावी है कि भरोसा नहीं उस दिन वो वाकई में मरा है भी या नहीं। आपको अकेला भेजकर मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता, राम ने कह दिया। वाह बेटा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि एक आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे अपने बच्चों के मुताबिक जीना पड़ता है, वो अपने फैसले लेने का भी हक खो देता है, कृष्णन ने चिढ़कर कहा और दूसरे कमरे में चला गया। अप्पा, अप्पा! राम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। दरअसल कृष्णन राम को अपना डर नहीं बता सकता था, इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन गुस्सा बनकर राम पर निकल गया था। उस रात राम चुपचाप ईश्वरी के पास तालाब में गया। आज ईश्वरी उसे ध्यान सिखाने वाली थी। दूसरी ओर हरि फिर से सरक कर सोए हुए कृष्णन के पास पहुंच गया। अरे ये फिर से इधर पड़ा है, ये राम भी ना, पता नहीं आजकल उसका ध्यान कहां रहता है। कृष्णन बड़बड़ाया और हरि को उसने उठा लिया। उसे लेकर वो राम के कमरे की तरफ गया। हालांकि जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो चौंक गया, क्योंकि राम अपने बिस्तर पर नहीं था। कृष्णन ने पूरे घर में देख लिया, यहां तक कि बाहर जाकर घर के आसपास भी देख लिया, लेकिन राम कहीं नहीं था। ये राम इतनी रात को कहां चला गया, वो भी हरि को छोड़कर, कृष्णन बोला। उसे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि राम हरि को लिए बिना कहीं नहीं जाता था। एक पल के लिए कृष्णन ने सोचा कि वो बाहर थोड़ी दूर जाकर राम को ढूंढ आए, पर फिर उसे लगा कि अगर इस दौरान राम लौट आया तो उसे घर पर ना देखकर परेशान हो जाएगा, इसलिए उसने घर पर ही रहकर राम का इंतजार करने का फैसला किया। राम का इंतजार करते हुए बैठे बैठे ही कृष्णन की आंख लग गई। हरि उसके पास था, इसलिए कृष्णन को फिर से भास्कर के मरने का सपना आया। हालांकि साथ ही साथ उसे यह भी दिखाई दिया कि नरसिंह शुद्धिपुरम में प्रजातंत्र का निर्माण किया है। कृष्णन ने देखा कि हेमा अकेली बैठी रो रही है, वो बेहद अकेली है और कृष्णन की वहां ज्यादा जरूरत है। अचानक कृष्णन नींद से जागा तो देखा कि वो लिविंग रूम में बैठा था। उसे याद आ गया कि वो राम के आने का इंतजार कर रहा था। वो उठकर फिर से राम के कमरे में जा रहा था कि उसकी नजर पड़ी कि हरि चमक रहा है। उसे देखकर कृष्णन रुक गया। अगर आपको शुद्धिपुरम जाना है तो मुझ पर हाथ रखो, अचानक हरि से आवाज आई। ये सुनकर कृष्णन को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे पता नहीं था कि हरि बात करता है। कृष्णन को लगा कि शायद राम और हरि आपस में बोलकर ही बातें किया करते होंगे, इसलिए उसे हरि पर भरोसा हो गया। पक्का तो मुझे शुद्धिपुरम पहुंचा दोगे, कृष्णन ने उम्मीद भरी नजरों से देखकर हरि को पूछा। बिल्कुल, आप मुझ पर हाथ रखिए, हरि ने कहा। कृष्णन ने बिना वक्त गवाए हरि पर हाथ रखा। इसी के साथ कृष्णन उस घर से गायब हो गया। राम तो तालाब के अंदर जाने वाला था तो फिर हरि को घर पर छोड़कर क्यों गया था? हरि अचानक बोलने कैसे लगा था? कहां चला गया था कृष्णन? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। तालाब में मोक्ष की गोली के सामने राम बैठ गया था। ईश्वरी राम को ध्यान कैसे करना है वो सिखा रही थी। 12 लाख जाप करने होंगे तुम्हें मोक्ष के, राम इस बात से चौंक गया। 12 लाख कैसे होंगे एक रात में? राम ने पूछा। नहीं, एक रात में तुम 1 लाख जाप कर सकते हो, एक बार जाप शुरू किया फिर तुम उठ नहीं पाओगे, ईश्वरी ने कहा। दूसरी ओर कृष्णन हरि पर हाथ रख के कोई गुफा में पहुंच गया था। कृष्णन को तो शुद्धिपुरम में पहुंचना चाहिए, फिर वो कहां पहुंच गया था? क्या हुआ, शुद्धिपुरम जाना है? कृष्णन ने देखा तो उसके सामने बाला था। तुम जिंदा हो? कृष्णन बाला को देखकर हैरान था। मैं अमर हूं,
मुझे कोई नहीं मार सकता। राम के नीलकंठ पर वार करने की वजह से मेरी शक्ति खत्म हो गई थी और राम को लगा कि मैं मर गया हूं। बालक को देखकर कृष्णन शॉक्ड था। तुम्हारे अप्पा मुश्किल में है। राम चौंक गया। ईश्वरी, ईश्वरी! कृष्णन की बात करके ईश्वरी चली गई। एक ओर ईश्वरी ने कहा कि राम को ध्यान धरना था और दूसरी ओर वो ऐसी बात करके गई जिससे राम ध्यान में बैठ ही ना सके। राम अब सोच में पड़ गया। ईश्वरी जो कहकर गई, क्या वो सच था या फिर वो राम के ध्यान की परीक्षा लेना चाहती थी? राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो उस मोती के सामने ध्यान में बैठे या फिर कृष्णन को ढूंढने जाए। लेकिन राम तो ध्यान के लिए बैठ गया था और इस मोक्ष की गोली के सख्त नियम थे। ईश्वरी ने कहा, वैसे राम एक बार ध्यान में बैठ गया उसके बाद वो उठ नहीं सकता। ईश्वरी ने खुद ये नियम राम से कहा था, फिर वो कृष्णन की बात करके क्यों गई? ये जानते हुए कि इस बात से राम ध्यान में नहीं बैठ पाएगा, फिर भी ईश्वरी इतना कहकर गायब हो गई। अगर ये बात सच है और ईश्वरी राम की दोस्त है तो उसे कृष्णन के गायब होने की बात राम ध्यान में बैठे उससे पहले करनी चाहिए थी। क्या ईश्वरी राम के साथ कोई खेल खेल रही थी? राम असमंजस में था, लेकिन राम के लिए कृष्णन से बढ़कर कुछ भी नहीं था। राम ने मोक्ष की गोली को देखा, उसमें राम को वो 5 निधियां पाने की आस दिखी, लेकिन कृष्णन की चीख राम को बुला रही थी। राम ने जाप शुरू नहीं किया था। राम तुरंत ध्यान से उठ गया। कृष्णन मुश्किल में है जानने के बाद राम कैसे ध्यान में बैठ सकता था। राम अब तालाब से बाहर निकला। तुम बाहर कैसे आ गए? ईश्वरी तालाब के किनारे ही खड़ी थी। तुमने कहा मेरे अप्पा मुश्किल में, ऐसे में ध्यान में मैं कैसे बैठ सकता था? राम ने कहा। तो तुम ध्यान छोड़कर जा रहे हो? ईश्वरी ने कहा। मेरे अप्पा से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। राम चलने लगा। एक बार यहां से चले जाओगे तो वापस कभी इस तालाब के अंदर नहीं उतर पाओगे। ईश्वरी की इस बात से राम के कदम रुक गए। अचानक एक प्यारी सी दोस्त में से ईश्वरी बदलकर एक बहुत ही कड़क और सख्त लड़की बन गई थी। राम के सामने ईश्वरी का नया रूप आया था। राम ने सोचा नहीं था कि इतनी प्यारी दोस्त ऐसे भी बात करेगी। क्या तुम चाहती हो मैं मेरे अप्पा को मुश्किल में छोड़कर यहां ध्यान में बैठ जाऊं? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मेरी शक्तियों के लिए मेरे अप्पा की जान को मैं दांव पर लगाऊं। राम ने कहा। स्वार्थी नहीं, पर समझदार तो हो ना। तुम्हारे अप्पा गायब जरूर हुए हैं लेकिन वो सुरक्षित भी हो सकते हैं। लेकिन एक बार तुम यहां इस तालाब के क्षेत्र से बाहर चले गए फिर वापस यहां नहीं आ पाओगे। ईश्वरी की बातें राम को उलझन में डाल रही थी। एक ओर वो कह रही थी कि कृष्णन मुश्किल में, दूसरी ओर वो राम को से बचाने जाने से रोक रही थी। और अब ये बात कि एक बार राम यहां से चला गया तो वो शून्य शक्ति कभी हासिल नहीं कर पाएगा। मेरे लिए मेरे अप्पा से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। राम फिर से चलने लगा। तुम इस क्षेत्र से बाहर निकलोगे तो शून्य शक्ति हासिल करने का तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। ईश्वरी की इस बात पर राम रुक गया। राम अब पूरी तरह से उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। राम ने सोचा कि कुछ दिनों की बात है, वो यहां ध्यान करके 5 निधियां हासिल कर ले और शून्य शक्ति की पहली सतह तक पहुंच जाए। उसके बाद वो कृष्णन को बचा लेगा। और कृष्णन के पास भले ही शक्तियां नहीं है पर कृष्णन खुद की रक्षा करने के काबिल है। राम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अब उस तालाब में छलांग लगाई। तुम्हारे बेटे राम ने तुम्हारी जगह शून्य शक्ति को चुना है। ये जानने के बाद कि तुम यहां मुश्किल में हो, राम शून्य शक्ति की 5 निधियों के पीछे गया। बालक इस बात से कृष्णन कुछ बोला नहीं। राम जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। कृष्णन को राम पर पूरा भरोसा था। तुम्हारा ये प्यार और भरोसा ही तुम्हें ले डूबेगा। तुम यहां तुम्हारे बेटे को सपोर्ट करने आए हो और उसके साथ मुश्किलों से गुजर रहे हो, और दूसरी ओर तुम्हारा बेटा है जिसे तुम्हारी या अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। बालक कृष्णन को राम की बात करके उसे दुख पहुंचाना चाहता था। बाला अलग चाल चल रहा था। बाला जानता था कि कृष्णन को राम के लिए कितना प्यार है और कितना गर्व है। बाला कृष्णन की कमजोर नस पर वार कर रहा था। कृष्णन को राम के बारे में बुरा बुरा बोलकर वो कृष्णन को मानसिक तौर पर खत्म कर रहा था। बाला चाहता था कि वो कृष्णन को इतना डिप्रेशन में डाल दे कि वो खुद ही आत्महत्या कर ले, लेकिन कृष्णन को बाला की बातें नहीं तोड़ सकती थी। कृष्णन एक मजबूत योद्धा था और कृष्णन राम को अच्छी तरह जानता था। कृष्णन का मानना था कि राम के लिए शून्य शक्ति ज्यादा जरूरी है तो उसे शून्य शक्ति की ओर जाना चाहिए। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। और कृष्णन जितना राम को जानता था, राम उसे बचाने कुछ भी करके वापस आ ही जाएगा। एक और
बाला की बातों को नजरअंदाज करके कृष्णन राम पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, तो दूसरी ओर तालाब में राम अपने विचार और अपने मन पर काबू रखकर मोक्ष का जाप कर रहा था। राम के जहन में बार बार कृष्णन के ख्याल आ रहे थे, पर राम ने कृष्णन की ताकत और अपने निस्वार्थ डिटर्मिनेशन पर भरोसा रखकर मोक्ष का जाप जारी रखा। जाप करते करते अचानक राम किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। राम ने देखा तो वो एक बड़े से पर्वत के सामने खड़ा था। ये कौन सी दुनिया है? मैं तो तालाब में मोक्ष का जाप कर रहा था, फिर ये सब क्या है? राम सोच में पड़ गया। ये राजसी पर्वत है। अचानक राम के कान में कोई फुसफुस आया। राम आसपास देखने लगा कि कौन बोला, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। अचानक राम ने देखा कि उसके सामने से कोई उड़कर आ रहा है। वो जो भी था पहचाना हुआ सा लग रहा था। राम ने देखा तो वो उसका पालतू पिशाची था। छोटी आग! अपने पालतू पिशाची को देखकर राम खुशी से पागल हो गया। पिशाची राम के पास आकर रुका। राम अब पिशाची पर सवार होकर राजसी पर्वत की ओर गया। राम कितने दिनों बाद अपने पालतू पिशाची पर सवार हुआ था, लेकिन जैसे ही राम राजसी पर्वत के पास गया तो वो चौंक गया, क्योंकि वहां बहुत ही अजीब दिखने वाले लोग थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये इंसान भी हैं या नहीं, क्योंकि सबकी तीन आंखें थी और तीन पैर थे। राम ने ऐसे इंसान पहली बार देखे थे, और वहां राजसी पर्वत के पास का पूरा गांव ऐसे लोगों से भरा हुआ था। अचानक राम को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाज भयानक पिशाची की थी, जैसे कोई किसी जंगली जानवर को मार रहा हो। राम ने आसपास देखा तो कोई दिख नहीं रहा था, फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? अचानक राम की आंखों के सामने एक बड़ा सा गरुड़ आया। वो उड़ते हुए जा रहा था। वो गरुड़ उड़ते हुए राजसी पर्वत के पास से गुजर रहा था। जैसे ही वो गरुड़ राजसी पर्वत के ऊपर से उड़कर गया, अचानक राजसी पर्वत का मुंह खुला और पर्वत ने उस गरुड़ को खा लिया। राम ये देखकर चौंक गया। एक पर्वत कैसे किसी जानवर को खा सकता है? जैसे ही पर्वत ने गरुड़ को खाया, गरुड़ के तड़पने की आवाज आई, जैसे कोई उस गरुड़ को मार रहा हो। कुछ ही पल में फिर से उस पर्वत का मुंह खुला। पर्वत ने गरुड़ की हड्डियों को बाहर फेंका और वहां के अजीब से लोग उन हड्डियों को खाने लगे। यह दृश्य राम के लिए चौंकाने वाला था। राम को लगा कि क्या उसका भी ऐसा हाल होगा, लेकिन राम डरा नहीं। राम ने सोचा क्यों ना एक ट्राई करे। राम नहीं जानता था कि वो कौन सी दुनिया में आ गया था। ईश्वरी ने राम को तालाब में 12 लाख मोक्ष के जाप करने को कहा था, और उसके बाद राम अपने पिछले जन्म में जाएगा। लेकिन राम तुरंत ही जाप के पहले दिन ऐसी अजीब सी दुनिया में आ गया था। राम अपने पिशाची को लेकर राजसी पर्वत के ऊपर से उड़ने लगा। राम नहीं जानता था कि उसने फैसला लेकर कितनी बड़ी गलती की है। जैसे ही राम राजसी पर्वत के शिखर के ऊपर से गुजरा, फिर से पर्वत का मुंह खुला और इस बार राजसी पर्वत राम के पालतू पिशाची को खा गया। राम हैरान हुआ। जैसे राम ने पर्वत का मुंह खुलता देखा, उसने तुरंत अपने पिशाची को बचाने की कोशिश की, पर उस पर्वत की रफ्तार इतनी थी कि राम कुछ करे उससे पहले राजसी पर्वत उसके पालतू पिशाची को खा गया था। राम सदमे में था। कुछ देर में पर्वत का मुंह खुला और पर्वत ने पिशाची की हड्डियां बाहर फेंकी, और वहां के गांव के लोग पिशाची की हड्डियां खाने लगे। राम ने अपने पालतू पिशाची को खो दिया था। राम ने सोचा भी नहीं था कि उसका ये साहस उसके पिशाची की जान ले लेगा। राम ने खुद को संभाला और वो राजसी पर्वत के शिखर की ओर बढ़ने लगा। उसे पिशाची की मौत का बदला लेना था। राम के सर पर पिशाची की मौत का बदला लेने का भूत सवार था। जैसे ही राम राजसी पर्वत के शिखर पर पहुंचा, उसे पीछे से कोई खींचने लगा। राम को समझ नहीं आया कि कौन उसे खींच रहा है। एक ही पल में राम फिर से उस तालाब में आ गया था, जहां वो ध्यान में बैठा था। राम का ध्यान भंग हो गया था। राम ने देखा तो उसे पीछे खींचने वाला व्यक्ति और कोई नहीं पर ईश्वरी थी। मेरा पिशाची, वो पर्वत उसे खा गया, राम ने ईश्वरी से कहा। राम बहुत ही परेशान था। तुम ये जाप करते हुए एक अलग दुनिया में पहुंच गए थे, ईश्वरी ने कहा, लेकिन उस दुनिया में अजीब से लोग थे और वो राजसी पर्वत पिशाची को खा गया। क्या ये सब एक भ्रम है? क्या ये सपना था? राम ने ईश्वरी से पूछा। ईश्वरी चुप हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ईश्वरी की चुप्पी से राम और परेशान हुआ। चुप क्यों हो? बताओ, क्या वो सपना था? मेरा पिशाची ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? राम ने अधीरता से पूछा। राम, 12 लाख मोक्ष के जाप करते वक्त तुम जिस दुनिया में जाओगे, वहां जो भी होगा सब सच होगा।
ईश्वरी की बात से राम का दिल टूट गया। इसका मतलब है कि मैंने अपने पिशाची को खो दिया। राम रोने जैसा हो गया। राम को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि काश उसने वो राजसी पर्वत को टेस्ट करने का साहस ना किया होता तो आज पिशाची उसके साथ होता। मेरी गलती की वजह से आज पिशाची की जान गई है, तुमने मुझे वापस क्यों खींचा? मैं भी पिशाची की मौत का बदला लेकर मर जाता, राम ने ऑलमोस्ट रोते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि जाप करने की एक समय मर्यादा होती है और वो खत्म होने को आई थी, इसलिए राम को अब उस तालाब से बाहर निकलना होगा। सूर्योदय होने वाला था और ये जाप सिर्फ रात को ही हो सकता था, इसलिए राम को अब रात को यहाँ वापस आना होगा। ईश्वरी के साथ राम तालाब से बाहर आया और सूरज की किरणों के साथ वो तालाब अदृश्य हो गया। राम अभी भी परेशान था, उसकी आंखें नम थी। एक तो ध्यान में बैठते ही उसे पता चला था कि कृष्णन कहीं गायब हो गया है, और ध्यान में बैठने के बाद जप करते हुए वो किसी दुनिया में गया और उसने अपने पिशाची को खो दिया। ईश्वरी राम के चेहरे से उसके मन की बात जान गई थी। वो तीन आंख और तीन पैरों वाले लोग ही तुम्हारी मदद करेंगे। ईश्वरी की इस बात से राम की आंखों में चमक आई। मतलब क्या मुझे पिशाची वापस मिल जाएगा? राम के सवाल का जवाब न देकर ईश्वरी ने कहा, तीन आंख और तीन पैरों वाले लोगों के पास एक तिजोरी है और वो तिजोरी राजसी पर्वत के अंदर है। तुम्हें उनसे वो तिजोरी जीतनी है। तुम्हें इस काबिल बनना होगा कि तुम उस तिजोरी को खरीद सको, उसे जीत सको, और उसी तिजोरी से तुम्हारे पास तिजोरी शक्ति आएगी और उनमें से तुम उन पांच निधियों में से पहली दो निधि खोल पाओगे। ईश्वरी की बात सुनकर राम के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, क्योंकि आज पहली बार किसी शक्ति को हासिल करने में राम ने किसी अपने को खोया था। राम का मन बहुत ही नाराज था, लेकिन अब उसने जाप की शुरुआत कर दी थी। उसे ये जाप खत्म करने थे। राम पिशाची की बलि को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। राम अपने घर गया, लेकिन वहां जाकर उसने देखा तो कृष्णन नहीं था। राम परेशान हुआ कि ईश्वरी ने जो कहा वो सच था। क्या कृष्णन सच में किसी मुसीबत में है, या फिर कृष्णन शुद्धिपुरम वापस चले गए थे? राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कृष्णन का पता कैसे लगाए। राम फिर से चिंता में था। क्या राम जान पाएगा कि कृष्णन को बाला ने कैद किया है? क्या राम ये भी जान पाएगा कि जिस बाला को वो मरा हुआ समझता था वो अभी भी जिंदा है? क्या राम 12 लाख जाप खत्म करके मोक्ष गोली प्राप्त कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।